रेडी। मैं इक्ष्वाकु वंशज राघव आपकी छाती में ब्रह्मास्त्र काटने के लिए विवश हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल आरआर फिल्मी मीडिया में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रभास की फिल्म आदिपुरुष के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे कार्तिक आर्यन की फिल्म सत्य प्रेम की कथा के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और इसी के साथ फिल्म शाहरुख खान की जवान के अपडेट और ट्रेलर के बारे में, और साथ ही साथ अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2 के टीजर ट्रेलर के बारे में। इसीलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्तिक आर्यन कियारा आडवाणी की फिल्म सत्य प्रेम की कथा के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इस फिल्म को आज बॉक्स ऑफिस पर 10वां दिन चालू है, और फिल्म ने 10वें दिन के भी बावजूद इस फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है। इस फिल्म ने अपने शुरुआती 8 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन किया था 53 करोड़ 30 लाख का। 9वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन किया फिल्म ने 2 करोड़ 70 लाख रुपए। 10वें दिन यानी कि आज ये फिल्म इंडिया से नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 3.5 करोड़ का, जिसके साथ फिल्म का 10 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो जाता है 59 करोड़ 50 लाख रुपए। इंडिया ग्रोस हो जाता है 71 करोड़ 10 लाख रुपए। वहीं ओवरसीज से इस फिल्म ने अभी तक कलेक्शन किया लगभग 12 करोड़ 30 लाख का, जिसके साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 10 दिनों का हो जाता है 83 करोड़ 40 लाख रुपए। इस फिल्म का बजट केवल और केवल 60 करोड़ रुपए, और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 83 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया। तो आने वाले 2 दिनों में ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट का टैग लेगी। वहीं बात करते हैं 2023 की सबसे हाईएस्ट बजट वाली फिल्म यानी कि रिबल स्टार प्रभास और कीर्ति सैनन, वहीं सैफ अली खान की फिल्म आदिपुरुष के बारे में। इस फिल्म को आज चौथा हफ्ता चालू है, और चौथे हफ्ते में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से दम तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। फिल्म के रिलीज होने के बाद इस फिल्म की काफी ज्यादा नेगेटिविटी फैली, जिसके कारण इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से दम तोड़ दिया। बट कहीं ना कहीं ये फिल्म अपना बजट रिकवर करने में भी सक्सेस हो गई है। बात कर इस फिल्म के कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने अपने 3 हफ्तों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 495 करोड़ रुपए। वहीं चौथे हफ्ते में एंट्री लेते ही फिल्म ने 22वें दिन वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया सिर्फ 90 लाख का। वहीं 23वें दिन यानी आज ये फिल्म वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर रही है 1 करोड़ 10 लाख का, जिसके साथ फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है 497 करोड़ रुपए। फिल्म को 5 भाषाओं में रिलीज किया गया, और सभी भाषाओं का मिलाकर केवल फिल्म ने 497 करोड़ का ही आंकड़ा टच किया। आने वाले दिनों में फिल्म 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। इसके बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप डिक्लेयर हो चुकी है, क्योंकि इस फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट फिल्म यानी सबसे बड़ी फिल्म होने वाली 2023 की शाहरुख खान की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म जवान के बारे में। इस फिल्म को लगभग 2 महीने बाद 7 सितंबर को रिलीज किया जाने वाला है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है साउथ के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर यानी कि एटली कुमार ने। फिल्म के अंदर लीड रोल में हमें शाहरुख खान के साथ नेगेटिव रोल में विजय सेतुपति देखने को मिलने वाले हैं, वहीं लीड रोल में नयनतारा देखने को मिलेगी। इस फिल्म की हाइप शाहरुख खान की पठान फिल्म से भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर देखने को मिल रही, और यही कारण है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जब भी आएगी पठान का रिकॉर्ड भी तोड़ेगी, और हो सकता है कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में लगभग 1500 करोड़ का भी आंकड़ा क्रॉस कर सकती है। अगर बात करें इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि इस फिल्म का ट्रेलर हमें 12 जुलाई को मिशन इम्पॉसिबल नाम की मूवी रिलीज हुई उसके साथ अटैच कर दिखाया जाएगा। बट यहाँ पे खबर के मुताबिक इस फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर है हमें और भी 2 दिन पहले यानी 10 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। तो देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि इस फिल्म का ट्रेलर 10 तारीख को आता है या 12 तारीख को, बट 10 या 12 जब भी आई ट्रेलर अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। और आप इस फिल्म के और इस फिल्म के ट्रेलर के लिए कितने ज्यादा एक्साइटमेंट है कमेंट जरूर करें। वहीं नेक्स्ट फिल्म बात करते हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म यानी कि ओ माई गॉड 2 को लेकर। इस फिल्म की जो ऑफिशियल टीजर है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 9 जुलाई को इस फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर टीजर देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे एक दिन बाद यानी 10 जुलाई को हमको इसका ऑफिशियल टीजर देखने को मिलने वाला है, जो कि पूरी तरह से कन्फर्म हो गया। और इस फिल्म का जो टीजर होने वाला है 1 मिनट 34 सेकंड का होने वाला है, जिसको सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट की तरफ से पास कर दिया गया, और जल्द ही हमें 10 जुलाई को इस फिल्म का टीजर देखने को मिलेगा। अब देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि इससे पहले अक्षय कुमार की बहुत सारी फिल्में आई जिसने बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया,
अब देखना काफी दिलचस्प रहा कि इस फिल्म से अपना कमबैक अक्षय कुमार कैसा करते हैं। तो आपको इन सभी फिल्मों में कौन सी फिल्म बेटर लगी और आप कौन सी फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट है कमेंट जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो आने वाले फ्यूचर में वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।